देखो, अगर आपका बजट 15 लाख से लेकर 25 लाख के बीच में है और आपको एक अच्छी एसयूवी कार लेनी है जिसके इंटीरियर में अच्छे खासे फीचर्स मिले, जिसका एक्सटीरियर लुक तगड़ा हो, जिसके अंदर सेफ्टी फीचर्स भर भर के मिले, ऐसी एसयूवी कार अगर आप ढूंढ रहे हो तो ये वीडियो खास मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं उन 5 एसयूवी कारों के बारे में डिटेल में बात करूंगा जो कि आपको मिल जाएगी 15 लाख से लेकर 25 लाख रुपए के बजट में। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप आउट मत कर देना, एंड तक देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आगे जाकर अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर इस वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना। जो सबसे पहली कार आती है जो कि आप इस प्राइस रेंज में कंसीडर कर सकते हैं वो है टाटा की सफारी। सफारी को इसी साल इंडियन मार्केट में लॉन्च किया गया, हालांकि ये टाटा हैरियर का 7 सीटर वेरिएंट है, लेकिन इसके अंदर काफी कमाल के फीचर्स ऑफर करे जाते हैं। पर्सनली मुझे टाटा सफारी का एक्सटर्नल लुक बहुत ज्यादा अच्छा लगा, इसका फ्रंट फीचर भी काफी ज्यादा कमाल का है और रियर से दिखने में काफी ज्यादा जबरदस्त दिखती है। इसके इंटीरियर की अगर मैं बात करूँ तो टाटा सफारी के इंटीरियर में भी कमाल के फीचर्स ऑफर करे जाते हैं, जैसे कि आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, इसके अलावा पैनोरामिक सनरूफ भी इसके अंदर ऑफर किया जाता है, वायरलेस स्मार्टफोन चार्जिंग, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स और बाकी के फीचर्स आपको मिलेंगे। लेकिन इसका जो गोल्ड एडिशन मॉडल है उसके अंदर आपको एडिशनल फीचर्स मिलेंगे, मतलब जितने प्रीमियम फीचर्स रहते हैं वो आपको टाटा सफारी के गोल्ड एडिशन के अंदर देखने को मिल जाएंगे। और इसका जो बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है वो है इसका एक्सजेड प्लस वेरिएंट, इसके अलावा एक्सजेड ए प्लस वेरिएंट, इसके अलावा इसके ऊपर भी वेरिएंट्स आते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 20 लाख के ऊपर पैसे पे करने पड़ेंगे। अगर आपका बजट 20 21 22 लाख रुपए के आसपास है तो आप इन वेरिएंट के साथ जा सकते हैं। वही जो सेकंड नंबर की कार आती है इस प्राइस रेंज में वो है जीप की कंपास। हालांकि 2021 का जो मॉडल है जीप कंपास का, उसके हर एक मॉडल के ऊपर मैंने रिव्यू वीडियो बनाया है, उसकी प्लेलिस्ट यहाँ पर मैं आई बटन में दे दूंगा, वो वीडियोस आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपका बजट है 15 लाख से लेकर 25 लाख के बीच में तो यहाँ पर जीप कंपास आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर काफी कमाल के फीचर्स ऑफर करे गए हैं। लेकिन जो प्रीवियस मॉडल था उसके अंदर इतने बढ़िया फीचर्स नहीं दिए थे, लेकिन जीप कंपनी ने 2021 मॉडल के अंदर काफी एडवांस फीचर्स को इंक्लूड किया हुआ है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है इस कार का। इसके अलावा आपको जीप कंपास के अंदर सेफ्टी फीचर्स भी बढ़िया मिलेंगे और इसकी बिल्ड क्वालिटी तो कमाल की ही रहती है। इसके अलावा जीप की कारें ऑफ रोडिंग के लिए बहुत ज्यादा जानी जाती है। अगर आप ज्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, आपका आना जाना पहाड़ी एरिया में ज्यादा है, तो जीप की कंपास आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकता है, क्योंकि इसका जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है काफी ज्यादा कमाल का है। इसका जो बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरियंट है वो है इसका लिमिटेड एडिशन मॉडल, हालांकि इसके अंदर भी काफी कमाल के फीचर्स आपको मिलेंगे, लेकिन इसकी जो कीमत है वो स्टार्ट होती है 23.39 लाख रुपीज से एक्स शोरूम प्राइस। अगर आपका बजट थोड़ा सा ज्यादा है तो आप इसके टॉप मॉडल के साथ भी जा सकते हैं, जिसके अंदर आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलेगा, इसके अलावा बाकी के फीचर्स मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको देने पड़ेंगे 25.54 लाख रुपीज एक्स शोरूम। ऑन रोड कीमत थोड़ी सी ज्यादा रहेगी, आपका प्राइस थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर जीप की कंपास आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकती है 2021 में। वही जो थर्ड नंबर की कार आती है जो कि आप कंसिडर कर सकते हैं इस प्राइस रेंज में, वही है हुंडई की प्रीमियम एसयूवी कार टूसॉन। हालांकि इसको ग्लोबल मार्केट में भी बेचा जाता है और ग्लोबल मार्केट में इसको अपडेट भी मिला है और इंडियन मॉडल को भी बहुत जल्दी अपडेट मिल जाएगा। इसके अंदर भी कमाल के फीचर्स ऑफर करे जाते हैं इंटीरियर में और इसका एक्सटीरियर लुक भी काफी कमाल का है। हालांकि इस कार को मैंने इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि इसका अपडेट बहुत जल्दी आने वाला है, जो ग्लोबल मार्केट में मॉडल बेचा जाता है उसको इंडियन मार्केट में बहुत जल्दी लॉन्च किया जाएगा, तो वो मॉडल इंडियन मार्केट में लॉन्च होने के बाद डेफिनेटली तबाही मचाने वाला है, तो उसके लिए आप वेट कर सकते हैं या फिर आप करंट मॉडल के साथ भी जा सकते हैं, जिसके अंदर आपको ऑल व्हील ड्राइव का सिस्टम भी मिलेगा और इंजन स्पेसिफिकेशंस के तौर पर एक पेट्रोल इंजन और एक डीजल इंजन दिया जाता है और दोनों ही इंजन अच्छी खासी पावर आउटपुट प्रोड्यूस कर पाते हैं। और इसके अंदर आपको फोर व्हील ड्राइव का सिस्टम भी मिलेगा, हालांकि ये जो सिस्टम है इसके टॉप मॉडल के अंदर दिया जाता है जिसका नाम है GLS, लेकिन उसकी कीमत 27 लाख रुपीज से स्टार्ट होती है। वही इसके बेस मॉडल की कीमत 22.69 लाख रुपीज से शुरू होती है एक्स शोरूम प्राइस। वही जो फोर्थ नंबर की कार आती है जो कि आप कंसीडर कर सकते हैं वो है इलेक्ट्रिक एसयूवी कार है। पहली है हुंडई की कोना और दूसरी है एमजी की ZS EV। हालांकि इन दोनों ही कारों को मैंने इस लिस्ट में इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक कारों का दौर है, तो आप इन कारों को भी कंसीडर कर सकते हैं। दोनों ही कारों के अंदर अच्छे खासे फीचर्स ऑफर किए जाते हैं। हालांकि हुंडई की जो कोना है वो एक सिंगल चार्ज में लगभग 452 किलोमीटर तक की रेंज दे देती है, तो आपको अच्छा खासा माइलेज मिल जाएगा, अच्छी खासी रेंज आपको मिल जाएगी हुंडई कोना के अंदर। इसके अलावा आपको MG ZS EV के अंदर 419 किलोमीटर तक की रेंज मिल जाएगी।
अगर आपका बजट कम है लाइक 10 लाख से लेकर 15 लाख के बीच में आपका बजट है तो आप टाटा नेक्सॉन ईवी के साथ भी जा सकते हैं। हालांकि टाटा नेक्सॉन ईवी एक सिंगल चार्ज में लगभग 312 किलोमीटर तक की रेंज दे देती है जो कि मोस्ट सेलिंग इलेक्ट्रिक कारों में आ जाती है, तो यहाँ पर वो भी आप कंसिडर कर सकते हैं। या फिर अगर आपको फीचर ज़्यादा चाहिए, आपको रेंज थोड़ी ज़्यादा चाहिए, तो आपके लिए MG की ZS EV या फिर आपको हुंडई की कोना एक बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकता है। यहाँ पर हुंडई कोना की कीमत इंडिया में स्टार्ट होती है 23.7 लाख रुपीज से बेस मॉडल की एक्शन प्राइस, वही MG ZS EV की कीमत 21 लाख रुपीज से शुरू होती है बेस मॉडल की एक्शन प्राइस। वही जो लास्ट नंबर की कार आती है जिसको रिसेंटली लॉन्च किया गया वही है महिंद्रा की XUV700। हालांकि इसका क्रैश टेस्ट भी हो चुका है और XUV700 को सेफ्टी में 5 स्टार रेटिंग्स भी हासिल हुए है। अगर मैं इसके फीचर्स की बात करूँ तो इसके अंदर काफी कमाल के फीचर्स ऑफर करे गए हैं इंटीरियर में और इसका एक्सटीरियर लुक काफी जबरदस्त है, इसका रोड प्रेजेंस काफी ज्यादा तगड़ा है। इसका ब्लू कलर वाला मॉडल और इसका रेड कलर वाला मॉडल दिखने में काफी ज्यादा कमाल का लगता है। इनका जो रोड प्रेजेंस है, रोड स्टांस है, वो काफी ज्यादा कमाल का है। वही अगर मैं फीचर्स की बात करूँ तो XUV700 के इंटीरियर में काफ़ी एडवांस फीचर्स को इंक्लूड किया हुआ है और इसके अंदर आपको एडास टेक्नोलॉजी भी मिलेगी जो कि सेफ्टी के हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। अगर आपको एडास टेक्नोलॉजी वाला वेरिएंट लेना है तो आपको AX7 ये मॉडल लेना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको लगभग 20 लाख रुपए के ऊपर पैसे पे करने पड़ेंगे। अगर आपको बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट चाहिए तो आप AX5 इस मॉडल के साथ जा सकते हैं जिसके अंदर आपको पैनोरामिक सनरूफ भी मिलेगा, कार कनेक्टेड टेक्नोलॉजी भी मिलेगी, इसके अलावा टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी मिलेगा जो कि आपको कनेक्टेड फॉर्मेट में देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा अच्छे खासे फीचर्स आपको इस वेरिएंट के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ये एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट आपके लिए साबित हो सकता है। अगर आपको एडास टेक्नोलॉजी ही लेनी है तो आप AX7 इस मॉडल के साथ जा सकते हैं, उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस भी आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा AX7 के अंदर आपको लग्जरी पैक भी मिल जाएगा, उसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बनाया है, आई बटन में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये 5 कारें थी जो कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकती है और मेरे हिसाब से आपके लिए XUV700 एक बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकता है। इसके अलावा सेकंड नंबर पर आप जीप की कंपास को कंसीडर कर सकते हैं जिसके अंदर अच्छे खासे फीचर्स भी आपको मिलेंगे, सेफ्टी फीचर्स भी आपको मिलने वाली है और ऑफ रोडिंग के तो आप मजे ले सकते हैं। इसके अलावा थर्ड नंबर पर आप टाटा सफारी को कंसीडर कर सकते हैं अगर आपकी फैमिली बड़ी है, उसके बाद आप MG ZS EV और बाकी की कारों को कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये 5 कारें थी, इनमें से आपको कौन सी कार सबसे ज्यादा अच्छी लगती है मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना।